नमस्कार, हम लेकर आए हैं 2023 के विधानसभा चुनावों के पूर्व का हाल यानी कि धरातल की जानकारी लेकर आपके सामने आने वाला कार्यक्रम विधान पत्र। क्या है आपके चुनावी क्षेत्र का हाल, किस तरीके से जनता कर रही है रिएक्ट और इसके अलावा कौन कौन से दावेदार इस विधानसभा क्षेत्र में हैं मौजूद, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब आपको दिखाएंगे। कैसा है विधानसभा का मिजाज और जातिगत आंकड़े क्या देते हैं इस विधानसभा क्षेत्र की गवाही, तो इन सारे मामलों को लेकर आज के इस विधानसभा के कार्यक्रम में हम हाजिर हैं। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के कार्यक्रम राजपाट के अंतर्गत विधान पत्र कार्यक्रम आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे संतों की इस नगरी का नाम है चित्रकूट। जी हाँ, और अगर हम चित्रकूट का विश्लेषण करें तो चित्र यानी दृश्य और कूट यानी पर्वत, तो पर्वत और हरियाली से सजा हुआ एक दृश्य जब आपकी आंखों के सामने दिखाई देता है हम उसी को चित्रकूट कहते हैं। और आज उसी नगर की और उसी नगर से जुड़े हुए नाम की चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र की बात आज हम करेंगे इस विधान पत्र कार्यक्रम में। मंदाकिनी नदी किनारे बसा चित्रकूट धाम भारत के सबसे प्राचीन केंद्रों में से एक है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने माता सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के 14 वर्ष में से 11 वर्ष चित्रकूट में ही व्यतीत किए थे। ये क्षेत्र चारों ओर से विंध्य पर्वतमाला और घने वनों से घिरा है। अमावस्या के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ देखने को मिलती है कि तिल रखने को जगह ढूंढना मुश्किल है। प्राकृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए चित्रकूट पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र है। वैसे तो ये बघेलखंड के सतना जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन ये बुंदेलखंड में स्थापित है। सती अनसुईया, गुप्त गोदावरी, जानकी कुंड में स्थित आंखों का बड़ा और प्रसिद्ध अस्पताल और चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय प्रमुख केंद्र हैं। इसके अलावा आसपास का ग्रामीण क्षेत्र इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विद्यमान है। चलिए कार्यक्रम में अब बात करते हैं मतदाताओं की। जैसा एक चतुर और चालाक मतदाता होना चाहिए, इस क्षेत्र का मतदाता बिल्कुल वैसा ही है। लोग जातिगत आंकड़ों की बात करते हैं, उसके समीकरण बिठाते हैं, लेकिन इनके यानी कि मतदाताओं के मन की बात निकाल पाना बड़ा ही टेढ़ी खीर है। इनके मन की बात या तो फिर ये वोटर ही जानते हैं या फिर भगवान कामतानाथ ही जानते हैं। हमारे आपके बस का काम नहीं है कि इनके मन में क्या चल रहा है और एंड टाइम पर ये क्या निर्णय लेने वाले हैं, ये निकाल पाना काफ़ी टेढ़ी खीर है। बताया जा रहा है कि जातिगत समीकरणों के मामले में यहां आकलन करने वालों को अक्सर इसमें मात मिली है। लगभग 2,11,000 मतदाताओं को समेटे इस विधानसभा में 1,13,000 के लगभग पुरुष और 98,000 के लगभग महिला मतदाता प्रत्याशियों का भाग तय करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जातिगत समीकरण यहां आकर उल्टे पड़ जाते हैं, यानी कि जिस जाति के मतदाता संख्या बहुत कम है उस जाति के विधायक सबसे ज्यादा बार रहे हैं, वहीं जो जाति बाहुल्य में है वो विधायक बनाने में हमेशा पिछड़ती रही है। अब सीधे तौर पर कहें तो करीब 10,000 मतदाता वाले क्षत्रिय समाज से 6 बार विधायक बने हैं, जबकि लगभग 60,000 मतदाताओं वाले ब्राह्मण समाज से 4 बार विधायक चुने गए हैं, जबकि लगभग 55,000 हरिजन आदिवासी मतदाता से 2 विधायक ही मिले हैं। आंकड़ों की बात करें तो अन्य जातियों में लगभग 15,000 कुशवाहा, 13,000 मुस्लिम, 17,000 के लगभग यादव और बाकी लगभग 38,000 में पटेल, लोधी, कायस्थ और पारधी समाज के लोग आते हैं। चलिए विधान पत्र में अब बात करते हैं चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे मुद्दों की जिसको लेकर जनता कई बार से लगातार आवाज़ उठाती रही है, लेकिन चुनावी शोरगुल में ये तमाम आवाज़ें दब जाती हैं। बात करें यहाँ की ऊबड़ खाबड़ और गड्ढा युक्त सड़कों की, बेतरतीब डिवाइडर्स की या फिर बजबजाती नालियों की, इसके अलावा और भी तमाम समस्याएं और तमाम मुद्दे इस विधानसभा क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं।
वहीं अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो गरीबी और रोजगार की समस्या से जनता पलायन को मजबूर है और सबसे प्रमुख बात कि यहाँ की पवित्र नदी मंदाकिनी को लोगों ने गंदे नाले में परिवर्तित कर दिया है। नदी के किनारे बने होटल और अवैध अतिक्रमण से ये जगह जगह संकुचित हो गई है और नदी की पवित्रता बनाए रखने में किसी का भी ध्यान नहीं है। चुनाव के दौरान ये बातें निकलकर सामने तो आती हैं, लेकिन फिर वोट के समय लोग सिर्फ जाति धर्म के आधार पर वोट करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं और फिर वही 5 साल का रोना धोना शुरू हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव परिणामों की। सन 2018 की बात करें तो सन 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस के नीलांशु चतुर्वेदी ने सुरेंद्र सिंह गहरवार को मात दी थी। इसके पहले हम आपको बता दें कि 2018 के पहले 2017 में भी एक चुनाव हुआ था। इस उपचुनाव में भी नीलांशु चतुर्वेदी ही जीते थे और उन्होंने उसी प्रत्याशी को हराया था, यानी कि इसके बाद 2018 के जो मुख्य विधानसभा चुनाव थे उसमें एक बार फिर से जीत दर्ज की थी। ২০১৩ के चुनाव में कांग्रेस के प्रेम सिंह ने भाजपा के ही सुरेंद्र सिंह को 10,970 वोटों से हराया था। हालांकि 2008 के चुनाव में सुरेंद्र सिंह गहरवार ही जीतकर विधायक बने थे, लेकिन 2013 में प्रेम सिंह ने तीसरी बार बाजी मार ली थी। लेकिन प्रेम सिंह के निधन के बाद अब उनके दामाद संजय सिंह राजनीतिक विरासत संभालने की जुगत में भिड़े हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा संजय सिंह को इस सीट पर एक उचित विकल्प मान रही है या फिर परिवारवाद की बार बार दुहाई देकर कांग्रेस पर आक्रमण करने वाली भाजपा किसी दूसरे प्रत्याशी पर मुहर लगाती है। कुल मिलाकर इस बार का चुनावी परिदृश्य दिलचस्प होने की उम्मीद लगाई जा रही है। चलिए तो अब आखिरी चरण की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे दावेदारों की। विधानसभा चुनाव 2023 के आते आते अब लगातार कमर कसी जा रही है। उम्मीदवार लगातार मैदान में हैं, अपने अपनी गणित बिठाई जा रही है और जिसका दावा मजबूत होगा, जिसकी गणित फिट बैठ जाएगी, वही मुख्य पार्टियों से टिकट लेकर सामने आएगा और फिर प्रत्याशियों का आशीर्वाद किसको मिलता है ये आने वाला वक्त तय करेगा। एक बार फिर से वर्तमान विधायक नीलांशु चतुर्वेदी कांग्रेस की तरफ से प्रबल दावेदार हैं। लगातार धार्मिक यात्राएं निकाली जा रही हैं और हाल ही में हुई एक कंट्रोवर्सी की वजह से छवि पुनः सुधारने की कोशिशें जारी हैं। तो वहीं पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रेम सिंह के दामाद संजय सिंह भावनात्मक वोटों के माध्यम से अपना पक्ष कांग्रेस आला कमान के समक्ष पेश कर रहे हैं। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो सुभाष शर्मा डोली, सुरेंद्र सिंह गहरवार, चंद्रकमल त्रिपाठी और शंकर दयाल त्रिपाठी अपनी अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय या फिर क्षत्रिय वर्सेस क्षत्रिय का मुकाबला इस विधानसभा सीट पर देखने को मिलेगा। तो इस बार चित्रकूट विधानसभा का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। आखिरकार जनता किसके साथ जाएगी? टिकट वितरण के बाद हालांकि पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन जो जातिगत गणित है और तमाम मुद्दे हैं उन पर कौन फिट बैठेगा? शिवराज और कमलनाथ में से किसकी यहां पर चलेगी और किसको भगवान कामतानाथ का आशीर्वाद मिलेगा ये आने वाले समय में तय होगा। फिलहाल लगातार बने रहिए पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम राजपाट, जिसके अंतर्गत आज विधान पत्र के माध्यम से हमने चित्रकूट विधानसभा का क्षेत्रीय गणित और उसका एक नक्शा आपके समक्ष पेश किया है। लगातार बने रहिए चैनल पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और देखते रहिए हमारा चुनावी कार्यक्रम राजपाट। इसके बाद हम आपके मैदान पर यानी कि विधानसभा क्षेत्र में फील्ड पर भी पहुंचने जा रहे हैं और वहां पर जाकर जानेंगे कि आखिरकार हवा किसकी है। तो देखते रहिए पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।